हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकमा जिले में जो टीचर वैकेंसी आई थी दोस्तों, और जिसके फॉर्म फिलिंग हुए थे। अब यहां पर भी पात्र पात्र की लिस्ट आ चुकी है, ये देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सुकमा जिले का, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 27 जुलाई तक यहाँ पे आवेदन को आमंत्रित किया गया था, 13 से 27 के बीच में। और ये सुकमा जिले की वेबसाइट है sukma.government.in पे, यहाँ पे लिस्ट को देखी जा सकती है। इसमें दोस्तों आपके सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राथमिक, प्राइमरी, और यहाँ पे कंप्यूटर टीचर, व्यायाम टीचर, प्रयोगशाला ग्रंथपाल, सभी की पात्र पात्र लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। और इसके लिए जो दावा आपत्ति का टाइम दिया गया है, यहाँ पे 26 अगस्त दिया गया है, यानी कि 2 ही दिन है दोस्तों आपके पास दावा आपत्ति करने के लिए। ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है सुकमा ज़िले की। तो यहाँ पे दोस्तों आकर आप सुकमा ज़िले की वेबसाइट पे आकर रिक्रूटमेंट के पेज पर आकर आप ये सारी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर की यहाँ पात्र की लिस्ट है, यहाँ पात्र की लिस्ट है, यहाँ उसी तरीके से कंप्यूटर पात्र की है, ये अपात्र की लिस्ट है, ग्रंथपाल है, नीचे लेक्चरर के पोस्ट की है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं लेक्चरर, यहाँ पे लैब असिस्टेंट, हेड मास्टर, PTI टीचर। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। और ये चलिए, इसमें से एक लिस्ट को हमने डाउनलोड किया है, ये देख सकते हैं संविदा। यहाँ पे संविदा सहायक शिक्षक के पद हेतु अपात्र की ये लिस्ट है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे उनके फादर का नाम लिखा है, यहाँ पे आपका जेंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ग, जन्म तिथि, उम्र, यहाँ पे आवेदित पद का नाम, सब्जेक्ट, और यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पे 10वीं 12वीं के प्राप्तांक के बाद यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे अपात्र किया गया है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे माध्यम हिंदी होने के वजह से 10वीं 12वीं का, इसलिए अपात्र घोषित किए गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं सुकमा ज़िले में, अगर आपने अप्लाई किया है तो। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ और मेरे।